हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काइनमास्टर एप्लीकेशन के थ्रू हम किस तरीके से शॉर्ट स्टेटस वीडियोस बना सकते हैं। दोस्तों, आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएगी जिनकी मदद से आप स्टेटस वीडियोस बना सकते हैं, बट काइनमास्टर में आप बहुत ही बड़ा रेंज मिल जाता है आपको एडिट करने का। तो इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। उसके बाद ये हमारा देखिए 5.0 वर्जन खुल चुका है काइनमास्टर का। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है गेट प्रोजेक्ट, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे ऑल, टैक्स, रेटो, मिनिमल एक्सेट्रा। तो आपको यहाँ पे म्यूजिकल वीडियोस पे क्लिक करना है। म्यूजिकल वीडियोस पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने बना बनाया कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माई स्टोरी करके एक यहाँ पे पहले से सेव है, तो बहुत सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको और दूसरा दिखा देता हूँ, ऑन बीट्स। ऑन बीट्स में जो यहाँ पे स्टेटस वीडियोस बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ऑन बीट्स वाले पे ही बना के दिखाने वाला हूँ। तो ऑन बीट्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस ऑन बीट्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगेन आ जाएंगे। तो इसमें से मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है थंडर, इसी पे मैंने स्टेटस वीडियोस बनाया, तो इसे मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अब ये जैसे ओपन होगा तो आपको एक प्रीव्यू शो होगा, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपका ये वर्क करने वाला है। तो मैं यहाँ पे अब इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद हम इस पिक्चर्स को हम यहाँ से चेंज कर पाएंगे। तो पहले इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड बटन पे सिंपली हमें क्लिक कर देना है और ये देखिए दोस्तों, डाउनलोड अब ये हो रहा है। अब ये डाउनलोड कम्प्लीटली कुछ ही देर में हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसे ओके कर देंगे और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। अब हम यहाँ पे माय प्रोजेक्ट्स ओपन करेंगे। इसके लिए हमें पहले इसे बंद करना होगा, तो मैं इसे अब कट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए, आपको एक ऑप्शन दिख रहा है थंडर, तो इस ऑप्शन पे आपको माय प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे दिख रहा है थंडर, इसे हम ओपन करेंगे। और यहाँ पे देखिए आप, ये प्रोजेक्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। आप इससे इसे बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी करके एडिट कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। अब हमें इन सारे पिक्चर्स को यहाँ पर चेंज कर देना। उसके लिए हम सिंपली करेंगे क्या, एक पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, पिक्चर को आपको डिलीट नहीं करना है, बस पिक्चर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर में आपको मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, इस मीडिया वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करें और ये आपके फ़ोटोज़ गैलरी में आपको लेके चला जाएगा, जहाँ पर आप अपना कोई भी पिक्चर या वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर ही सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोटोज़ पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ हमारे गैलरी के फ़ोटोज़ हमें यहाँ पर शो हो। अब हम यहाँ पे पहले से कुछ पिक्चर्स क्लिक करके रखे हैं पोर्ट्रेट मोड में, तो उसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट अपना जो फाइल बना के रखा है उसमें से मैं एक पिक्चर कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सपोज़ कीजिए इस पिक्चर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो इस पिक्चर पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे और ये पिक्चर हमारा इसमें आ चुका है। अब यहाँ पर आप पिक्चर को साइज़ में, पिक्चर के साइज़ में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको पैन जूम वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आप पिक्चर को दोनों उंगलियों की मदद से जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा इसे जूम इन कर देते हैं, जैसे कि हमारे ये फ्रेम में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक साइन दिख रहा है इक्वल का, इस इक्वल के साइन पर आप क्लिक कर दें, जैसे कि आपका शुरू वाला और एंड वाला पोर्शन एक ही जैसा रहे, फिर टिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आप इसे चेक करके देख सकते हैं, तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे पिक्चर को चेंज कर देना है। तो सेम है, हम फिर से मीडिया पे जाएंगे और अपने फोल्डर को ओपन करेंगे और वहाँ से दूसरे पिक्चर को यहाँ पे सेलेक्ट करके हमें ले लेना है। तो इस बार सपोज़ कीजिए हम इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए बहुत सारे पिक्चर्स को चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर सारे पिक्चर्स को आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो सारा पिक्चर हम एक ही साथ चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम वीडियोज़ में आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए आप, हमने सारे पिक्चर्स को चेंज कर दिया और हमारा ये स्टेटस वीडियोस बनके अब कंप्लीट हो चुका है। तो मैं एक बार सिंपली इसे ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। आप चाहे तो म्यूज़िक को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बट म्यूज़िक यही इस बीट्स पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे रहने देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, बहुत स्मूथली हमारा ये चल रहा है काइनमास्टर एप्लीकेशन में। अब हम इस वाले फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि अपने गैलरी में सेव करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सेव एस वीडियोस का, तो इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप फुल HD, नॉर्मल HD या SD मोड में भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल HD में रखना चाहता हूँ, तो HD 720p पे।
आप यहाँ पे क्वालिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं, यानी कि आपकी वीडियोस ज़्यादा लंबी साइज़ की या कम लंबे साइज़ की बनेगी। तो हम इसे थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, तो अप्रॉक्स आप 5 पे ही रखिए, 5 MB/s, ये नॉर्मल स्टेटस वीडियोस के लिए ठीक रहता है। अब सेव एस वीडियोस फाइल पे, यहाँ पे सेव एस वीडियोस, इस पे हम क्लिक कर देंगे और हमारा ये जो फाइल है अब वीडियो में सेव हो जाएगा, यानी कि हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा, आप इसे स्किप कर दें। स्किप करने के बाद थोड़ा सा देर लगेगा, आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमने क्विकली करके दिखा दिया, हमारा ये वीडियो जो है सेव हो चुका है गैलरी में। मैं आपको गैलरी में ले जाके दिखा देता हूँ कि हमारा किस तरीके से ये स्टेटस वीडियोस बन के कम्प्लीट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने गैलरी ओपन कर लिया है और ये रिसेंट्स में आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बहुत ही स्मूथ आपको यहाँ पे टेक्सचर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा स्टेटस वीडियोस आप काइनमास्टर एप्लीकेशन के थ्रू बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।